आज हम जा रहे हैं सुकेती। तो भाई पहला मेरा मतलब ऑफ रोडिंग हो ही गई आज ना भाई। रोड आई लव दिस रोड ब्रो। देखते हैं कितनी टच होती है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज है भाई संडे, और संडे को तो आपको तो पता ही है संडे को हमारी एक राइड होती है। तो आज जा रहे हैं हम, मैं और नमन जा रहे हैं। नमन के पास है एंटॉर्क 125 और मेरे पास है अपनी ईगल। तो आज हम जा रहे हैं सुकेती। सुकेती फॉसिल पार्क ये है, नाह से अराउंड होगा 20-25 किलोमीटर दूर। तो यहाँ से लेंगे हम राइट साइड का टर्न, मतलब बस स्टैंड से होके जाएंगे हम। वहाँ पे एक दोस्त, एक और बंदा आ रहा, मतलब नमन के साथ आएगा ना वो, और मैं कर रहा हूँ सोलो राइडिंग। तो हमारा सुकेती जो फॉसिल पार्क है वो फेमस है कि वो जो विश्व में सबसे पुराना मतलब फॉसिल पार्क है, और बहुत टाइम पहले के कि पूरा पाषाण काल के, अगर जी आप समझ पाएंगे तो पूरा पाषाण काल के वहाँ अवशेष पाए जाते हैं जीव जंतुओं के। तो आज देखेंगे यार वहाँ जाके। तो अभी टाइम हुआ है 4:30, तो लीवर गार्ड लगाया है मैंने हाल ही में, और बाकी अभी मैं वॉश करा के आया स्कूटी की। यार गंद हो गई थी बहुत, मतलब धूल ही धूल चिपक गई थी इस पर। क्या गया था यार आर्मेरिया, तो आर्मेरिया में हम आगे थोड़ा जा आगे जा ही नहीं सकते। आगे नमन का दोस्त भाई अब 10 मिनट वेट करा इसका, और नमन एकदम स्कूटी लेके तैयार अपनी। हेलो कैसे मैडम नमन भाई, इधर देखिए एक बार नमन भाई, फनी लुक वो कर यार है? इसको लॉक कर दे भाई, ऐसे होते तो उसे भी गंदा लगता है भाई। तो उसे भी गंदा लगता अरे भैया तू क्या देख लियो। तो भाई फाइनली हम चल गए नहान से, और इसका टायर एक मतलब जो पिछला टायर है ना वो गंजा है भाई बिल्कुल ही ना। वाह भाई इसको भी चेंज कराएंगे हमको टाइम मिला। तो यहाँ से लेंगे भाई हम शॉर्टकट मारेंगे, मतलब पूरा घूम के कौन ही जाएगा। ट्रैफिक के मामले में भाई हमारी किस्मत ही बहुत अच्छी है ना कुछ ज़्यादा ही। अभी आएगी भाई सीधी उतराई, जहाँ ईबीएस सब फेल हो जाते हैं वो देखो भाई बिल्कुल कतई हो ना मन। हवा चेक करवा ले टायर में पिछले कम लग रही। ट्रैफिक फिर से बढ़ना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया है। ओ बहनचोद, ओ भाई क्या हो गया ये। तो गाइस बहुत तगड़ी मेरे साथ, मेरे को लगा बस रुकी हुई थी, मैंने ओवरटेक करने की कोशिश करी, आगे से टेम्पो आ रहा, बंदे ने एकदम से ब्रेक लगा दी पीछे से, गया था भाई मैं आज। वो स्कूटी देखी तूने व्हाइट सी टेडी हो गई थी। और अभी यार दो चीज़ें हो गई थी हमारे साथ, एक बंदा जो स्कूटी वाला था ना हमसे आगे, मतलब वो उसका एक्सीडेंट हो गया था, और एक हम तो भाई बच ही गए थे अभी। अब यार मैंने हॉर्न दिया और मैं आगे बढ़ा, और बंदे ने क्या बोलते बस ला दी एकदम से, रुप अगली साइड से आ रहा था मतलब टेम्पो टाइप का। क्या करते है गाइस, ये देखो सामा भाई राइट साइड को जाता है भाई चंडीगढ़ का रोड, और सीधा जाता है यहाँ से स्टेट जाता है पौंटा साहिब के लिए। तो हम पौंटा रोड पे चलेंगे भाई, थोड़ा तेज चल ले, टायर में तो अभी यार नहीं ग्रिप है, अभी तो इतना जल्दी तो कहीं जाएगा टायर मेरा। ओ हॉर्न इनके ढंग से बज नहीं रहे थे भाई, और साइड मांग रहे हैं मेरे से। ले 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 ले। सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। तो अभी हम पुल के दूसरी साइड चलते हैं, और फिर नमन और को बताते हैं कि भाई यहाँ से जाना है हमने आगे, हमारे पौंटा रोड जाता है, ये जाता है हमारा सुकेती के लिए। तो भाई ये रोड है हमारा सुकेती के लिए, फाइनली हम उस रोड पे पहुँच चुके हैं, मतलब सिंगल लाइन है और ठंडी सी भी है यहाँ पे। तो भाई यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने सुकेती का रास्ता गाइस, सिंगल लाइन है, मज़ा आएगा भाई, सिंगल लाइन में चलने का स्वाद ही कुछ और है यार भाई। आई लव मिनी रोड भाई, जब तक उसमें से आगे कुछ नहीं आ रहा। जस्ट जो ओ भाई ऑफ रोड, मतलब ज़्यादा ऑफ रोड तो है नहीं, पर जो भी है ठीक ही है भाई।
तो यार आगे कोई अगजे बंदा मिल जाता ना हमको रोड साइड, तो हम उनसे पूछ तो लेंगे भी यार सुकेती है कितना दूर यहाँ से। कंचना मतलब पहला मेरा सोलो राइडिंग है तो नमन मेरे साथ, पर सोलो राइडिंग है, मतलब कोई पीछे नहीं है बैठा हुआ। तो रोड तो बहुत ही अच्छा है यार, अगर मतलब मैं से रेटिंग लेंगे तो 10 में से 8% भाई रोड इतना प्यारा है ना। सुकेती तो कितना दूर है यहाँ से सुकेती वो पार्क? ठीक है। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि यार हमने इनसे पूछा भाई से कि सुकेती कितना दूर है यहाँ से, मतलब इसी रोड पे? तो हाँ उन्होंने कहा इसी रोड पे और 11 किलोमीटर है। तो 11 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं होता यार, ये ना मेरे को पता कौन सा रोड याद दिलाता है यार, जैसे कि मतलब होते नहीं यार गैंगस्टर टाइप वाले रोड, मतलब गाँव के पंजाब के गाँव के रोड होते कि यार रोड रेंज होगी जिसमें पता नहीं क्या क्या। ये रोड ना यार जो कालाम का जो मैंने आपको बताया था भी जो राइट साइड कुछ चंडीगढ़ रोड है उसमें रोड में मिल जाता है ये बायाम खतरनाक रोड। अयो ऑफ रोड तो मेरे को पसंद है, पर ये सूखी जो मिट्टी होती है ना उसमें भाई टायर ऐसे फिसलता है ना, ऐसी तैसी हो जाती है यार। वापस तो हम दूसरे रोड पर आएंगे यार। तो भाई पहला मेरा मतलब ऑफ रोडिंग हो ही गई आज ना, मैंने आपको बहुत दिन से ऑफ रोडिंग दिखानी थी तो ऑफ रोडिंग हो ही गई मेरी। बस नदी है पर है तो नदी। नमन भाई गालियां देगा नमन मेरे को, क्या कर सकते हैं यार। अरे जाना किधर को हमने? अंकल सुकेती सीधे ओ भाई। नमन चलाता यार बहुत ज़्यादा सेफ, मतलब सेफ तो क्या यार, मतलब बहुत स्लो चलाता है ये। भाई सुकेती पार्क वही है चले, तो वहीं से पूछ लिया। मतलब रास्ते में आप अननोन जगह पे जा रहे हैं ना कभी किसी भी रास्ते में ना, तो भाई चुप मान रुक के पूछ लिया करो, क्या फ़ायदा भाई आप 1-1 किलोमीटर बाद वापस आ रहे कि यार ये तो रोड ही नहीं था। अकेले करूँगा राइड, फिर सोचा कि भाई अकेले यार कहीं आप जा नहीं सकते, और ये देखिए ऑफ रोड थोड़े थोड़े पैच आते हैं ना अगर भाई ऐसे ऐसे मज़े ही आ जाता है। तो जब आप अननोन जगह पे जाते तो रेस ही मत करो यार भाई, पहली बात ही मैं तो तब चला रहा कि भाई मुझे सीधा पैच दिखा है। तो यहाँ आता है यार एक पुल, अब ये पता नहीं कौन सा पुल है यार, ये मारकंडा नदी पर है और ये पुल मेरे को पता नहीं है। तो बढ़ते रहते हैं हम ऐसे ही आगे, आपको बैंडिंग तो एक तो करनी पड़ेगी, तो अब खींचते हैं भाई थोड़ा। यहाँ पे एक तो रेत, मतलब रेत वाली मिट्टी है ना यार वो सबसे बेकार है, मतलब इस पर टायर एकदम से फिसलता है आपको पता भी नहीं चलेगा। आप किच्चर से गुजर रहा हूँ, जब आप किच्चर से कभी गुजरते हैं ना भाई तो एक काम करना है कि मतलब ना तो आपने ब्रेक का यूज़ करना ना ज़्यादा रेस का, जितनी आपकी स्पीड है ना मेनटेन करके रखनी बस। भाई हमको गए 10 मिनट हो गए चलते हुए, अभी तक कुछ नहीं आ रहा भाई, 11 किलोमीटर पता नहीं हुआ नहीं एक्चुअली 11 किलोमीटर होता है कितना है भाई। वो सुकेती पार्क कहाँ है? हाँ जी मतलब कितना किलोमीटर पूरा पक्का? ठीक है धन्यवाद। तो भाई इनसे पूछा हमने कि यार कितना दूर है यहाँ से अब सुकेती पार्क, तो उन्होंने कहा कि बस ओनली 3 किलोमीटर दूर। तो भाई वो देखो पहाड़ तो देखो भाई आप, इतना ऊंचे ऊंचे पहाड़। ओ भाई अबे ओए भाई रोड, आई लव दिस रोड ब्रो, ये क्या लो इस चीज़ को पाने के लिए भाई। देखा मैंने पहले ही कहा था कि मुश्किल रास्तों को पार करके ऐसे रोड मिल ही जाएंगे आपको यार, कि मतलब एक दो पॉइंट तो यहाँ ऐसा है ना कि मज़ा आ गया यार। ओ मतलब मिट्टी है यार यहाँ पे ना गलत, अगर मिट्टी ना हो ना यहाँ पे तो मज़े ही आ जाए भाई। तो जय श्री राम का नारा बोलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, न मानो रो हमारे पीछे चले हुए हैं। तो भाई मैं 10 में से 10 दूंगा अब, उस टाइम मैंने रोड की कंडीशन देख के बोला था कि यार मेरे को तो पसंद ही नहीं आया भाई, ये रोड जन्नत है भाई ये रोड।
धन्यवाद भाई। तो भाई बंदों ने हमको साइड दे दी और हम आगे आ गए। ओ माय गॉड भाई, मैंने गेम में देखा था ऐसे ना भाई रोड, माय भाई ऐसे रोड मैंने गेम में देखे थे कि यार ऐसे जिगजैग रोड भी आते हैं भाई। आज मैंने मेरा सपना सच में ही पूरा हो गया भाई, मेरे स्कूटी में ही मेरा सपना पूरा हो गया कि यार मेरा किया मेरे को ना राइड करने के लिए जगह मिल रही भाई साहब। मैं बहुत जिन्हें मैं एक्साइटेड था ना भाई, वो मेरी एक्साइटमेंट दिख रही है इसमें यार कि भाई मैं अच्छी जगह के लिए था एक्साइटेड ना। ओ देखते हुए कितने टच होती है गाइस, 70 80, ओ 90 90 गाइस 90 टच। स्पीडी तो पहुंच गए हम, तो पार्क था भाई इस साइड, आगे पार्क है, चलें। जय श्री राम जय श्री राम। तो भाई पार्क के लिए रोड जाता है और पार्क तो इस टाइम शायद खुला ही है। वन विभाग हिमाचल प्रदेश ना, वन मंडल ना, निरीक्षण कुटीर, यहाँ पे रोड होता है हमारा ख़त्म यार। भाई 90 टच करिए अभी, 90 90। सबसे पुराना पार्क है यहाँ पे, देखो आपको हिरण दिख रहा हो ना, और गेंडा, और ये एक दूसरा गेंडा। जोक सफा स्कूटी यार अभी थोड़ी देर तक स्टार्ट रखे हैं क्योंकि ठीक चल रही है यार ये, मतलब एकदम से बंद नहीं करनी चाहिए हमको। और ये महाशय देखो भाई सीधी बंद कर दी इन्होंने आके, इसका इसका पता क्या सीन है भाई, इसका है पेट्रोल बचत। अभी स्टार्ट करेगा स्कूटी मेरे को पता है। और भाई ये ना इसकी किल स्विच का कभी यूज़ नहीं करेगा ऑन ऑफ के लिए, ये चाबी घुमाएगा सीधा। एक्टिवा वाले भाई आदत हो जाती है इनको अपनी। और टायर की कंडीशन दिखा दो भाई मैं आपको, इसके टायर देखो भाई बिल्कुल फ्लैट है इसका टायर। यहाँ से मडगार्ड निकालने को बोला था भाई मैंने इसको, पूरा फ्लैट। हम चलेंगे अंदर। नमन और भाई आपका नाम है? आयुष, आयुष भाई और नमन, ये तो मेरा क्लासमेट ही है यार। तो ये आगे जाएंगे अब हम। वो भाई कितना सुंदर है यार।